नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना समाज सेवक सागर उटवाल डेली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। वैसे तो हमारे ब्लॉग सब कंटिन्यू आ रहे हैं, पर ये ब्लॉग है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज हमारे भारत देश का 75वां स्वतंत्रता दिन है। 74 वर्ष पूरे करके 75वें वर्ष में हमारा देश प्रवेश कर रहा है, तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मेरे सभी मित्र परिवार को, जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं इस व्लॉग के माध्यम से, सभी को भारत देश के स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता है कि दिन कोई भी हो, आज का तो दिन बहुत विशेष है, पर किसी भी दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ, बच्चों के साथ खुशियां मनाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। तो आज स्वतंत्रता दिन के अवसर पर भी हम इसी प्रकार मनाने वाले हैं, बच्चों के साथ खुशियाँ बाँट कर इस दिन की खुशियों को और दुगनी कर देंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, आगे का कार्यक्रम आपको बताते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा आपने देखा कि आज हमारे भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने, जो हमारा भारत देश का स्वतंत्रता दिन है वो शहर में तो मनाया ही, उसी के साथ हमने जो ग्रामीण भाग में आदिवासी लोग रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन सभी खुशियों से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमने स्वतंत्रता दिन मनाने की कोशिश की। उन सभी के साथ जैसी खुशियां हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर, वैसी ही खुशियां हम सभी ने वहां पर जाकर मनाई। राष्ट्रगान हुआ, तिरंगा जो झंडा था वो उन बच्चों को दिया, उनके जैसे हमने सीने पर लगाया हुआ है वैसा उनको भी लगाया, कुछ उनके खाने के लिए भी हम वहां पर लेकर गए थे वो भी उनको दिया।
तो बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। तो आप सभी को जैसा पता है कि मैं हमेशा ये जास्ती ध्यान देता हूँ कि हर कार्यक्रम में जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है उनकी सेवा होनी चाहिए, उनके साथ मनाना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने उनके साथ जाकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया। बहुत ही खुशी हुई, मन को बहुत आनंद हुआ। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा है और आपको पसंद आया होगा, तो जो हमारा चैनल है समाज सेवक सागर उडवाल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे यही विनंती करता हूँ, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।